दिल्ली में, जहां की सियासी गलियारों में सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली का बॉस कौन है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल। कल लोकसभा में एक विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकार का मतलब ही बदल दिया है और केंद्र की इस नई परिभाषा पर केजरीवाल ने सवाल उठाए। दिल्ली में बदल जाएगा सरकार का मतलब, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया। संशोधन से छिन जाएगी केजरीवाल की शक्तियाँ। सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अब दिल्ली में एके की नहीं एबी की चलेगी। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। दिल्ली का बॉस कौन है, इसकी लड़ाई पिछले कई सालों से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के दफ्तर के बीच चल रही थी। मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस वही होगा जो उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठा होगा। मोदी सरकार की तरफ से सोमवार को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पेश किया और बता दिया कि अब हर हाल में उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री से ऊपर होंगे। बिल के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 में 3 बड़े और अहम बदलाव किए हैं। कानून के सेक्शन 21 में बदलाव करके कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा से पारित किए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 24 का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अगर उपराज्यपाल चाहे तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना कर सकता है। सेक्शन 44 में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन से पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार चुने हुए मंत्रियों चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों हो, ये विधानसभा बनाते क्यों हो, चुनाव कराते क्यों हो, ये लोकतंत्र होने का लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। नए संशोधन बिल से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी गर्मागर्मी बढ़नी तय थी और देर शाम तक वही हुआ। बिल के पेश होते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में नकारे जाने के बाद बीजेपी लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। केजरीवाल की ही बात आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है कि दिल्ली के चुने हुए मंत्रिमंडल के पास में पूरी पावर्स होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी उनके पाप बाहर आएंगे, जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एनसीटी संशोधन बिल पर अभी लोकसभा में चर्चा होना बाकी है। लोकसभा में पास होने के बाद बिल पर राज्यसभा में बहस होगी और बिल पास हुआ तभी कानून की शक्ल लेगा। इसलिए मानकर चलिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू तू मैं अभी लंबी खींचेगी।